टी20 वर्ल्ड कप 2022 टीम इंडिया के लिए एक बार फिर ऐसा वर्ल्ड कप आया जिसे टीम इंडिया भुलाना चाहेगी, सिवाय पहले मुकाबले को लेकर जहां पर विराट कोहली का विंटेज रूप देखने को मिला। टीम इंडिया सेमीफाइनल में तो जैसे तैसे पहुंच गई, वरना एक तरफ आप बांग्लादेश के खिलाफ बाहर ही हो गए थे, यानी कि आप वहीं से वर्ल्ड कप हार गए थे, आपकी टीम वहीं पर एक्सपोज हो गई थी, आपकी गेंदबाजी एक्सपोज हो गई थी, लेकिन उसके बाद आप जैसे तैसे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बनाते हैं, फिर एक बार फिर आपकी गेंदबाजी एक्सपोज हो जाती है और अब टीम इंडिया कुल मिलाकर वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में इंग्लैंड के हाथों मात खा जाती है। लेकिन इस हार में कप्तान रोहित शर्मा के ये तीन फैसले किसी को समझ में नहीं आ रहे हैं। रोहित के इन तीन फैसलों से पूरी तरह से मैच पलट गया और भारत इस वर्ल्ड कप में बाहर हो गया है और इन तीन फैसलों पर क्रिकेट दिग्गज सवाल उठा रहे हैं और आप भी जानकर यही कहेंगे ये तीन फैसले क्या सही थे, क्या गलत थे और आगे टीम इंडिया के फ्यूचर के लिए इन तीन फैसलों पर कैसे काम किया जाएगा। आइए आपको बताते हैं रोहित शर्मा के वो तीन फैसले जो सेमीफाइनल में टीम इंडिया की हार की सबसे बड़ी वजह बन चुके हैं। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे सब कुछ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो जी, हम बात कर रहे हैं टी20 वर्ल्ड कप 2022 के बारे में और एक ऐसा वर्ल्ड कप जो भारत के लिए शर्मनाक रहा। भारतीय गेंदबाजी एक्सपोज हुई है, भारत पावर प्ले को डोमिनेट नहीं कर पा रहा है, पूरी तरह से भारतीय टीम एक्सपोज हो चुकी है और अब आपको आगे जाकर पूरी तरह से भारतीय टीम बदलती हुई नजर आएगी। लेकिन ये तीन फैसले जो रोहित एक कप्तान के तौर पर देखेंगे तो बहुत ही घटिया फैसले रहे हैं। आइए आपको बताते हैं उन तीन फैसलों के बारे में। जहां सुपर 12 में अब तक टीम इंडिया काफी शानदार प्रदर्शन करते हुए ग्रुप 2 के टॉप स्थान पर थी, लेकिन इस अहम मुकाबले में भारत को इंग्लैंड के हाथों शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। बता दें कि रोहित शर्मा ने सेमीफाइनल मुकाबलों में कई खराब फैसले लिए जिनकी वजह से भारत फाइनल में जाने का सपना चकनाचूर हो गया। इनमें सबसे पहला और बड़ा फैसला, चहल को टीम में क्यों मौका नहीं मिला। इंग्लैंड के खिलाफ मिली शर्मनाक हार में कप्तान रोहित शर्मा का पहला गलत फैसला यही रहा। बता दें टी20 विश्व कप 2022 में पूरे टूर्नामेंट में रोहित शर्मा ने चहल को एक बार भी खेलने का मौका नहीं दिया। उन्होंने लगातार उनकी जगह रविंद्र चंद्र अश्विन को प्लेइंग 11 में शामिल किया। कप्तान रोहित का यह फैसला उन्हें काफी महंगा पड़ा और टीम को इंग्लैंड के हाथों 10 विकेट से करारी हार मिली। बता दें कि यूजी चहल ने टीम इंडिया के लिए अभी तक 69 टी20 मैच खेले हैं, 8 की इकोनॉमी से 85 विकेट हासिल किए हैं। वही यूजी चहल टी20 क्रिकेट में टीम इंडिया की ओर से सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाले दूसरे गेंदबाज भी हैं। लेकिन इस प्रदर्शन के बावजूद कप्तान रोहित ने उन्हें लगातार नजरअंदाज करना सबसे बड़ी गलती भारी पड़ गई है। दूसरा सबसे बड़ा फैसला, पंत के खराब प्रदर्शन के बावजूद मौका क्यों मिला। सेमीफाइनल मुकाबले को खेलने का मौका ऋषभ पंत को दिया गया, लेकिन पंत इस मौके को भुना नहीं पाए, सस्ते में पवेलियम लौट गए। पूरे विश्व कप में पंत को रोहित ने दो मौके दिए, लेकिन पंत ने फ्लॉप प्रदर्शन का नजारा पेश किया। पंत ने 4 गेंदों में 150 की स्ट्राइक रेट से मैच 6 रन की छोटी सी पारी खेली। ऐसे में कहा जा सकता है कि शायद आज रोहित दिनेश कार्तिक को मौका दे देते तो अपने बल्ले से कुछ कमाल दिखाते हुए टीम का स्कोर बनाने में अहम योगदान देते हुए नजर आते। दिनेश कार्तिक को अपने टीम में शामिल क्यों किया, ताकि बड़े मुकाबलों में वो अच्छे से फिनिश कर पाए। उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास वो फॉर्म है और फिनिशिंग की काबिलियत है, लेकिन आप ऐसे अहम मुकाबलों में उन्हें बाहर बिठाते हैं और केवल पानी पिलाने के लिए यूज करते हैं तो ये गलत फैसला ही माना जाएगा। लेकिन तीसरा सबसे बड़ा फैसला, जी हाँ, रोहित का अक्षर पटेल को लगातार मौके देना। दरअसल विश्व कप के 5 मुकाबलों में अक्षर को प्लेइंग 11 में जगह मिली थी, लेकिन उन्होंने 5 मैचों में बस 3 विकेट चटकाए। जब पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 21 रन लुटाते हुए कोई विकेट नहीं लिया, फिर नीदरलैंड के खिलाफ 2 विकेट लेते हुए 18 रन लुटाए, बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने 6 रन लुटाए और कोई विकेट ही नहीं लिया, जिम्बाब्वे के खिलाफ 1 विकेट के साथ 40 रन लुटा देते हैं, सेमीफाइनल मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 30 रन लुटाए और इस दौरान वो विकेट नहीं ले पाए। ऐसे में उन्होंने हर मुकाबले में विकेट लेने की काबिलियत तो दिखी ही नहीं, लेकिन दिखा रन लुटाने का काबिलियत, बल्लेबाजी से कोई छाप नहीं छोड़ पाए। कहा जा सकता है कि अक्षर पटेल की जगह दीपक हुड्डा को मौका दिया जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दीपक हुड्डा भी कुछ खास कमाल कर पाते या नहीं वो तो देखने वाली बात थी, लेकिन अक्षर को बार बार फ्लॉप प्रदर्शन के बावजूद मौका मिलना टीम इंडिया की हार की सबसे बड़ी वजह में से एक रहा है। तो ये वो तीन बड़ी वजह रोहित की जो समझ से परे हैं, लेकिन इस बारे में आपकी क्या राय है